हेलो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के दूसरे आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चंस है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। इसमें यदि हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगा कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम है, यानी ये होमोजीनियस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई की वैल्यू वी एक्स पुट करेंगे, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन वन आएगा प्लस एक्स और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन माने डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह वी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जगह वी एक्स। यदि हम ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो वन प्लस वी स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन वन प्लस वी, यानी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर बाई वन प्लस वी माइनस वी। इसको यदि हम सॉल्व करें तो वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी माइनस वी स्क्वायर बाई वन प्लस वन माइनस वी बाई वन प्लस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इसको एक तरफ हम लोग डी वी ले लेंगे, एक तरफ डी एक्स ले लेंगे। चूंकि यहाँ पर एक्स है इसलिए यहाँ वन बाई एक्स होगा और डी वी के साइड में वन प्लस वी माने वन प्लस वी, वन प्लस वी न्यूमरेटर के रूप में हो जाएगा बाई वन माइनस वी। अब इसको इंटीग्रेट कर दें। अब यहाँ पर जब भी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पावर सेम होते हैं तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी ये डिविजन्स माइनस वी प्लस वन से वी प्लस वन में डिवाइड कर दें, माइनस वन बार जाएगा वी माइनस वन, ये आ जाएगा माइनस वन प्लस टू बाई वन माइनस वी। इसकी वैल्यू आ जाएगा माइनस वन प्लस टू बाई वन माइनस वी डी वी इज इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स माइनस डी वी प्लस टू वन बाई वन माइनस वी डी वी इज इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स। आ जाएगा माइनस वी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस वी आएगा प्लस टू लॉग वन माइनस वी तो इसका आएगा लेकिन माइनस वन यहाँ आएगा इसलिए यहाँ पर माइनस टू हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आएगा। और इस आंसर में वी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, वी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, वी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, जहां जहां भी है उसके जगह वाई बाई एक्स रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4